नमस्कार, मैं पूर्व एक टीवी डिबेट में सेक्युलरों को सुन रहा था। बहस चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन उसमें यह बिंदु भी आया कि हिंदुओं की तुलना में आनुपातिक रूप से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। सेक्युलर साहबों ने शाइस्तगी से फरमाया कि बेमतलब की बातें हैं, मान भी लिया जाए कि देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए तो भी कहां का आसमान टूट पड़ेगा। मुझे चाशनी में लपेट कर बात करना नहीं आता। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक का मतलब है सत्ता पर काबिज होना। मेरा मानना है कि जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक सहिष्णुता और सेक्युलर जैसे शब्द प्रयोग चल रहे हैं। सेक्युलर बंधुओं, आपके तर्क सुनकर मेरी आंखों के सामने 18वीं सदी का मंजर घूमने लगता है। मेरी हैरत तब और बढ़ जाती है जब जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण सवाल को मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हां, जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है कि सर्वधर्म समभाव वाले सहिष्णु हिंदू बहुसंख्यक बने रहें। एक बार हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, उसके बाद क्या होगा यह जानने के लिए आइए चलते हैं एक पुरानी कहानी की ओर। यह कहानी है 1734 की। पंजाब के सियालकोट में भागमल नामक एक सज्जन अपने बेटे हकीकत राय को फारसी की शिक्षा दिलवाने एक मौलवी जी के पास लेकर गए। जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक हकीकत ने 4-5 वर्ष की आयु से ही इतिहास और संस्कृत आदि पढ़ना शुरू कर दिया था। उस जमाने में बाल विवाह आम बात थे, तो हकीकत की शादी के बाद पिता को लगा कि मुस्लिम राज्य में रोजी रोटी कमाने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए फारसी सीखना भी जरूरी है, इसलिए वे उसे मदरसे में मौलवी के पास लेकर गए। मौलवी साहब को दस्तूर के मुताबिक मिठाई और कुछ धन देकर पिता ने बेटे को मदरसे में भर्ती करा दिया और उसकी शिक्षा भी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा ने मौलवी साहब को भी प्रभावित कर लिया। जो भी पाठ दिया जाता वह उसे तुरंत याद कर लेता, समझ लेता। लेकिन जब वे बार बार उसकी तारीफ करने लगे तो सहपाठी छात्र कुढ़ने लगे। एक दिन मौलवी की अनुपस्थिति में हकीकत अपना पाठ याद कर रहा था, तब शेष बच्चे खेलने और ऊधम मचाने में जुट गए। लेकिन तभी खेलते बच्चों में से एक का ध्यान हकीकत की तरफ गया। उसने दूसरों से कहा, देखो देखो, हम सब खेल रहे हैं और ये हकीकत का बच्चा पढ़ाकू बन रहा है, इसे भी साथ मिलाओ, वरना मियाँ जी के आते ही उनके कान भरेगा और हमारी उल्टी सीधी शिकायत करेगा। अगर हील उज्जत करे तो 2-4 चपत भी लगाएंगे। सभी हकीकत से नाराज बैठे ही थे, सो सबको बात जम गई और उन लोगों ने हकीकत को साथ खेलने के लिए बुलाया। हकीकत के मना करने पर सब लोग उससे हाथ पकड़कर खींचने लगे। हकीकत ने झल्ला कर कहा, देखो मुझे तंग मत करो, वरना दुर्गा भवानी की कसम मैं मुल्ला जी से जरूर तुम्हारी शिकायत करूंगा। यह एक शब्द दुर्गा भवानी की कसम उसे बहुत भारी पड़ गया। कुछ लड़कों ने दुर्गा जी को लेकर अनाप शनाप गाली गलौज देना शुरू कर दिया। हकीकत ने उन्हें टोका, देखो मुझसे झगड़ा करना है तो करो, मुझे मारो पीटो, लेकिन हमारे देवी देवताओं को तो गालियां देने का क्या मतलब है। लेकिन जब लड़के नहीं माने और अब शब्दों की मानो बाढ़ ही आ गई, तब हकीकत राय ने भी तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि जो बातें तुम लोग दुर्गा भवानी के लिए कह रहे हो, जो अल्फाज दुर्गा जी के लिए बोल रहे हो, वही सब अपनी फातिमा के लिए भी समझ लो। और उसके बाद बच्चों का यह छोटा सा वाद विवाद देखते ही देखते कितना बढ़ गया, यह पढ़कर सुनकर ही हैरत होती है। मौलवी साहब के आते ही लड़कों ने इकट्ठे होकर हकीकत की शिकायत की। सुनते ही मुल्ला जी पूर्व में की गई हकीकत की सभी तारीफें भूल गए। उसकी जो पिटाई दूसरे लड़कों ने की थी वह कोई मुद्दा ही नहीं समझा गया। उन्हें याद रहा तो केवल यह कि एक काफिर लड़के ने रसूल जादी के खिलाफ अपशब्द निकाले हैं। ईश निंदा कानून जैसे शब्दों की उस जमाने में जरूरत ही कहाँ थी। दुर्गा जी को क्या कहा गया कौन पूछने वाला था। आनन फानन में मौलवी साहब ने
हकीकत राय को शहर काजी के सामने पेश कर दिया। सारे झमेले की बात सुनकर हकीकत के परिजन भी वहां पहुंच गए। इन सब द्वारा लाख सही बात बताने के बाद भी काजी ने उनकी एक न सुनी और निर्णय सुनाया कि शरीयत के अनुसार इसके लिए मृत्यु दंड है, या तो बालक मुसलमान बन जाए अन्यथा इसका सर कलम कर दिया जाए। काजी का गुस्सा इतने पर ही नहीं थमा, उसने माता पिता व सगे संबंधियों को भी इसके लिए कसूरवार मान लिया। एक गुस्ताख लड़के को जन्म देना क्या कम था? इन काफिरों की इतनी हिम्मत कि उसके बचाव में मेरे सामने आकर बहस की, डाल दो इन लोगों को भी जेल की काल कोठरी में। घर में हकीकत की मां कोरा का रो रो कर बुरा हाल था। समाज के लोगों को जानकारी मिली तो वे भी दौड़े आए, पर इतना भर हुआ कि काजी ने उनके कहने पर परिवार के लोगों को छोड़ दिया, वह भी इस शर्त पर कि वे हकीकत को इस्लाम कबूलने के लिए मनाएं। माता पिता ने समझाया भी कि मेरे लाल मुसलमान बन जा, तू हमारी आंखों के आगे कम से कम जिंदा तो रहेगा। किंतु हकीकत राय ने उन लोगों को लाजवाब कर दिया। उसने काजी से मुखातिब होकर पूछा, जनाब क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे मरना नहीं पड़ेगा? काजी ने कहा, बेशक। हकीकत ने अपनी बात और स्पष्ट की, क्या कभी नहीं मरूंगा? काजी की समझ में अब जाकर आया। उसने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण बाह्यात सवाल है? जो पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसे मरना तो पड़ेगा ही। हकीकत हंस पड़ा, कोई परवाह नहीं जान रहे या ना रहे, चार दिन दुनिया में मेहमान रहे न रहे, मुसलमान हो भी गया मरना तो फिर भी होगा, काजी तू और तेरे बच्चे सदा धरती पे आबाद रहे। अपने निश्चय पर उसे अडिग देखकर काजी ने कहा कि ये सब बातें तू तभी तक कर रहा है जब तक तूने जल्लाद और उसके हाथ में पकड़ी तलवार नहीं देखी, सारी शेखी निकल जाएगी उसे देखते ही, डाल दो तब तक के लिए इस नाफरमान को हवालात में। स्वाभाविक ही बच्चों के साधारण झगड़े को दिया गया यह रूप तत्कालीन हिंदू समाज को झकझोर गया और इस असंतोष की गूंज सियालकोट के हाकिम अमीर बेग तक भी पहुंची और उसके मार्फत लाहौर के नाजिम तक। सारे हिंदू समाज की दरख्वास्त पर नाजिम ने हकीकत को नामचीन लोगों की जमानत पर जेल से रिहा कर दिया। फिर वही हुआ जिसे हम आज भी छोटे बड़े रूप में गाहे बगाहे देखते रहते हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद तकरीरें हुई और लाहौर गर्मा गया और नतीजा वही निकला, ढाक के तीन पात, या तो हकीकत इस्लाम कबूल करे या फिर मौत को गले लगाए। और फिर सन 1734 की वह बसंत पंचमी भी आई। वधस्थल पर इतनी कम उम्र के बच्चे पर तलवार उठाते एक बार की जल्लाद की आंखें भी जब डबा गईं, लेकिन सरकारी मुलाजिम था, हुक्म की तामील तो करनी ही थी। हकीकत राय धर्म पर बलिदान हो गया। बसंत जब भी आता है खिलती हुई कलियां मानो पूछती हैं, उस नन्ही कली को मसला गया आखिर उसका कसूर क्या था? अगर वह कसूरवार था तो दुर्गा माँ को गालियां देने वाले बच्चे कसूरवार क्यों नहीं थे? जिस समय हकीकत राय का बलिदान हुआ उसकी 9 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी भी बटाला में चिता सजाकर सती हो गई। उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर निर्मित है। 1947 में भारत के विभाजन से पहले हर हिंदू बसंत पंचमी पर लाहौर स्थित उनकी समाधि पर एकत्रित होते थे। विभाजन के बाद उनकी एक समाधि प्रतीकात्मक रूप से होशियारपुर जिले के ब्योली के बाबा भंडारी में निर्मित की गई है, जहाँ बसंत पंचमी को हकीकत राय को श्रद्धा सुमन समर्पित किए जाते हैं। जो समझ सकते हैं वो समझ लें और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून की पुरजोर आवाज उठाएं, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है। 16वीं सदी से लेकर आज की 20वीं सदी तक, सियालकोट से लेकर कश्मीर तक, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलती तब तक समस्याएं सर उठाती रहेंगी। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि सर्वधर्म संभाव जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद को जवाब देना जरूरी है, फिरका परस्ती को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि
हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना जरूरी है। कोई और हकीकत राय न बने, इसलिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी। नमस्कार।